दोस्तों, इतने दिन से जो मैं वीडियो नहीं डाल रही थी उसका आज मैं रीज़न बताती हूँ आप लोगों को। बहुत दुख है मुझे, और बहुत दुख के साथ मैं आज कैमरा पर आई हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि 8 बजे रात को मेरी माँ गुजर गई। और ठीक 6-7 घंटे के बाद, मतलब 5 मई को सुबह 5:30 बजे 6 बजे के करीब मेरे पिताजी गुजर गए। मतलब मेरी माँ पहले गुजर गई और 7 घंटे के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। मतलब 6-7 घंटा के अंदर में वो दोनों दुनिया छोड़कर चले गए, हम लोग को छोड़कर चले गए। और दोस्तों, वो लोग बिहार में रहते थे, हम बिहार के रहने वाली हूँ, मेरे मम्मी पापा बिहार में रहते थे और फिलहाल मैं मुंबई में हूँ और मैं जा भी नहीं पाई। और इससे पहले भी मैंने टिकट कराया था अप्रैल में, तो कोरोना के वजह से हुआ था कि यहाँ से जाने से 15 दिन तक वहाँ रहना पड़ेगा। तो हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं तो हम नहीं गए, टिकट कैंसिल करा दिए। हालांकि उस टाइम मेरे पिताजी और मम्मी का बिल्कुल तबीयत ख़राब नहीं था, अचानक से तबीयत ख़राब हुआ 1-2 दिन में। और वो लोग 6-7 घंटा के अंदर में पहले मेरी माँ गुजर गई, उसके बाद मेरे पिताजी गुजर गए। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने थे और गुजर गए, वो दोनों तो एक दूसरे के लिए रोए भी नहीं। उनका किस्मत इतना अच्छा था बोलेंगे, ऐसे तो फिल्मों में देखने के लिए दोस्तों मिलता है, हकीकत में नहीं कि एक चला गया तो दूसरा भी चला गया, उसका पति मतलब पति पत्नी में सब फिल्मों में हमने देखा है। लेकिन रियल में भी मैंने अपने मम्मी पापा को देखी और सुनी कि पहले मम्मी चली गई फिर पापा चले गए। और मुझे बहुत मैं क्या बताऊँ आपसे, और इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी और मेरे एक को हिम्मत नहीं कर रहा था और मेरा काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो गया था। तो मैं डॉक्टर से दिखाई थी, तो एक डॉक्टर से दिखाई थी तो उतना अच्छा नहीं हुई थी। लेकिन दूसरा डॉक्टर से जो मैं दिखाई हूँ, अभी 3-4 दिन ही हुआ दिखाई हुए, तो थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे काफ़ी सारे हमारे बहुत दिन तो नहीं हुआ दोस्तों चैनल खोला हुआ, लेकिन इतना ही थोड़ा ही समय में हमारे साथ जो यूट्यूब फैमिली जुड़े हुए हैं वो काफ़ी मुझे मैसेज किए पर्सनली। और ये पूजा फूड ब्लॉग का मैं पेज खोली हूँ, उसमें भी जाकर बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया। तो मैं मैसेज का जवाब, 10 दिन हो गया था तो मैं एक एक का जवाब देने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत मैं रो रही थी एक एक को जवाब देने से। तो मैं लास्ट में फेसबुक पर मैं डायरेक्ट एक मैसेज डाल दिए ताकि सब कोई जान जाए। एक एक को मैं जवाब देना मेरे लिए बहुत टफ था और आज भी टफ है दोस्तों। लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करते हैं, बुक सेल करते हैं, तो कुछ लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे हमसे बुक भी खरीदे हुए हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं पूजा फूड ब्लॉग में। तो उन्होंने पर्सनली हमको फ़ोन कर के पूछा है और उन्होंने कहा है कि आप फिर से अपना जो ब्लॉग पूजा फूड ब्लॉग का जो चैनल है, आप मैडम फिर से आप काम करिए, फिर से चलाइए और इस तरह से आप मतलब एकदम बंद मत करिए, हम लोग आपका वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके जिनके पास मतलब नंबर है, जिनके पास नंबर नहीं है वो मैसेज से पूछ रहे हैं। तो मैं एक एक को जवाब देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जितना बार किसी को बताती हूँ उतना बार मेरा मन बहुत भारी हो जाता है और मेरा फिर से तबीयत अजीब सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि सबके लिए मैं जो भी पूछ रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं वीडियो बन रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं सबके लिए ये वीडियो बना दे रही हूँ कि ताकि सब कोई जान जाए कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और मैं कोशिश अब करूँगी कि रोज़ मैं वीडियो, तो रोज़ का तो प्रॉमिस दोस्तों नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत अभी मुश्किल है रोज़ वीडियो बनाना, लेकिन हफ्ता में दो भी अगर मैं बना लूँ ना तो हमारे लिए अभी के कंडीशन में बहुत है, क्योंकि खड़ा होकर बनाना मतलब सब कुछ करना अभी मन भी अंदर से नहीं करता है, अपना खाना भी बना लेना ही, खाना कैसे बना लेती हूँ खा लेती हूँ वही बहुत है। लेकिन धीरे धीरे करके मैं कम से कम हफ्ता में 2 वीडियो मैं डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हमारे पास पिछला वीडियो बनाया हुआ है, 5-7 है,
तो मैं उसको डालूंगी, और पहले भी मैं डालती लेकिन मैंने नहीं डाल रही थी ना, क्योंकि हमारे आँखों में बहुत दर्द कर रहा था, आँख में बहुत फूल गया था, सूजन हो गया था, और मैं मोबाइल से एकदम बिल्कुल दूर रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे मोबाइल से बहुत डर सा लगने लगा था। इसलिए मैं नहीं वीडियो डाल रही थी, क्योंकि हमारा नया चैनल है तो हम वीडियो डालने का मतलब होता है कि हमें हर जगह प्रमोट करना पड़ता है, तो मैं नहीं डाल रही थी। लेकिन ये वीडियो डालने के बाद अभी तो मैं कोई ऐसा अभी तक कोई शूटिंग नहीं की हूँ, उसके बाद यही पहला शूटिंग कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ आप लोग को अपना प्रोग्राम। तो जो भी पुराना वीडियो अभी हमारे पास स्टॉक में है 4-5, वो मैं डालूंगी और शूटिंग करूंगी, जो अभी फिर से जो जब हमको लगेगा कि हाँ इस चीज़ का शूटिंग कर लेना चाहिए तो मैं करूंगी, और करके अपलोड जरूर दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मैसेज कर कर के और फ़ोन कर कर के मेरा मेरे साथ दिए हैं और मेरे साथ मेरा हालचाल पूछे हैं, और एक भाई साहब जो है वो काफ़ी बहुत बात समझाएं कि आप सब छोड़िए, आप जो हुआ हुआ, आप वीडियो बनाइए, प्लीज़ आप वीडियो बनाइए। एक भाई साहब ने बहुत रिक्वेस्ट किया है फ़ोन करके, क्योंकि वो हमसे बुक भी खरीदे हैं, इसलिए वो हमें जानते हैं। बुक तो बहुत लोग खरीदा है, लेकिन उन भाई साहब ने बुक खरीदते हुए, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, हमारे वीडियो देखते हैं वो, तो उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके 2-3 दिन पहले हमको बहुत समझाए हैं वीडियो डालने के लिए। लेकिन हम 2-3 दिन हो गया, मैं प्रिपेयर ही नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे कैमरा के सामने आ कर के बोलूं, और बोलते बोलते बहुत मन भारी हो जाता है। और मैं सोची थी कि वीडियो आप लोग से बात करते करते मैं कुछ खाना भी हल्का फुल्का जो भी होगा बना लूँगी, लेकिन ये सब बात करने के बाद ना, सच बताऊँ दोस्तों, खाना तो क्या कुछ करने का मन नहीं करता है, इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ बना के नहीं डाल रही हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग समझ गए अब कि मैंने क्यों नहीं वीडियो डाल रही थी, क्योंकि बस यही आप लोग से कहना था।